क्या क्वेश्चन है? इन एन एफ ई इज सिक्स टर्म इक्वल टू टू, ए सिक्स इक्वल टू टू गिवन है आपके पास। इफ द प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट ए वन ए फोर ए फाइव इज द ग्रेटेस्ट, देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एफ ई इज इक्वल टू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। इसमें है ना मैक्सिमा मिनिमा का रोल दे दिया गया है थोड़ा सा, है ना, ग्रेटेस्ट देकर, है ना। मैक्सिमा मिनिमा जब पढ़ा था आपने तो उसमें साफ साफ ग्रेटेस्ट का रोल आया था और यहाँ उसका यूज किया गया है ना। देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपकी। आपको गिवन क्या है? आपको गिवन क्या है? ए सिक्स इक्वल टू टू है, इसका मतलब हुआ ए प्लस फाइव डी इक्वल टू टू है। हाँ बेटा, इस प्रोडक्ट को हम कुछ नाम दे देंगे। लेट पी इक्वल टू ए वन ए फोर ए फाइव। हाँ बेटा, पी क्या हो जाएगा आपका? पी हो जाएगा ए, आपका ए है, और ए फोर क्या हो जाएगा? ए प्लस थ्री डी, और ए फाइव क्या हो जाएगा? ए प्लस बोलिएगा फोर डी। हाँ जी, इसका प्रोडक्ट कर लीजिएगा। ये तो मेरे को पता है, ए प्लस थ्री ए डी, और इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ए प्लस फोर डी क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, ये पी है आपका, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर डी प्लस थ्री ए स्क्वायर, सॉरी गलत किया है थोड़ा सा, ये हो गया है, फिर इसका हो जाएगा फोर ए स्क्वायर डी प्लस 12 ए डी स्क्वायर। आसान तरीके से ही किया है हमने। ये हो जाएगा पी ए क्यूब प्लस, ये कितना हो जाएगा भाई, 7 ए स्क्वायर डी प्लस 12 ए डी स्क्वायर। इसके आगे एक चीज का आपको ध्यान देना है, जब पूछा जाए अगर इसमें फर्स्ट ग्रेटेस्ट फर्स्ट टर्म पूछी जाए तो उसके बारे में क्या करना है, और कॉमन डिफरेंस पूछा जाए तो उसके बारे में क्या पूछा है, क्या करना है। कॉमन डिफरेंस पूछा गया है, कॉमन डिफरेंस पूछा गया है यहाँ, तो ए को एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिएगा यहाँ से। कैसे होगा? ए इक्वल टू टू माइनस फाइव डी करके, तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, 2 माइनस 5 डी का क्यूब प्लस 7 2 माइनस 5 डी का स्क्वायर इंटू डी प्लस 12 2 माइनस 5 डी और डी। जल्दी से मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा इसका, स्क्वायर करके ऐड कीजिएगा। पी बताइएगा भाई, इसका पी क्या होगा? इसका पी क्या होगा? जल्दी मल्टीप्लाई कीजिएगा, सॉरी इसको क्यूब करके ऐड करके कंप्लीट वैल्यू बताइएगा क्या होगी। बोलो बेटा, जो पावर है ना, पावर उसको कोष्टक में लिख देना, क्योंकि आपकी टाइप नहीं होगी, पावर टाइप नहीं होगी तो कोष्टक में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, मैं पहचान जाऊंगा। चलो आगे करते हैं। इसका दूसरा तरीका बताता हूँ, इतना बड़ा ना करके इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ से ही। हाँ जी, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं,
ध्यान से देखिएगा, जो हमें एलिमिनेट करना है, जो हमें एलिमिनेट करना है इसको यहीं कीजिएगा, एक की जगह क्या रख दोगे, 2 माइनस 5 डी, और यहाँ क्या हो जाएगा बोलो भाई, बोलो, 2 माइनस 2 डी, और यहाँ 2 माइनस डी, बस हो गया छोटा। 2 को बाहर निकाल लीजिएगा, क्या हो जाएगा आपका, 2 माइनस 5 डी, 1 माइनस डी, और 2 माइनस डी। यहाँ से कर लीजिएगा इसको, है ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देके बस, कैलकुलेशन को हमें ज़्यादा टफ नहीं करनी है, एकदम आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। हाँ जी कर दीजिएगा जल्दी जल्दी, 2 2 माइनस 3 डी प्लस डी स्क्वायर, और ये है 2 माइनस, बोलो बेटा, 2 माइनस 5 डी, 2 माइनस 5 डी। इसका आगे क्या हो जाएगा, 2 टोटल हो जाएगा 4 माइनस 6 डी प्लस 2 डी स्क्वायर माइनस 10 डी प्लस 15 डी स्क्वायर माइनस 5 डी क्यूब, यहाँ डी है, माइनस 5 डी क्यूब। थोड़ा सा ठीक से लिख लीजिएगा इसको, क्या हो जाएगा, माइनस का 10 डी क्यूब प्लस 34 डी स्क्वायर माइनस 32 डी प्लस 8। बेटा मैक्सिमा किस तरीके से निकाला जाएगा, पी का डिफरेंस डिफरेंशिएशन कर दो विथ रिस्पेक्ट डी, तो क्या हो जाएगा, पी डेज क्या हो जाएगा भाई, माइनस का 30 डी स्क्वायर प्लस 68 डी माइनस का 32, जो कॉमन आ रहा है वो निकाल लीजिएगा, कॉमन आ रहा है वो निकाल लीजिएगा क्या आ रहा है, और इसको 0 के इक्वल कर दो, यहाँ से डी की वैल्यू निकल के आएगी, क्या आएगा, कॉमन आएगा माइनस का 2, ये बन जाएगा आपका 15 डी स्क्वायर, फिर माइनस का 34 डी प्लस का 16 इक्वल्स टू 0, यहाँ से डी की वैल्यू निकालिएगा, यहाँ से डी की वैल्यू निकालिएगा, इसके फैक्टर कर लीजिएगा, कितने हो गए, 5D-8 और 3D-2 इक्वल्स टू 0। हाँ जी इधर वाला थोड़ा सा, इधर वाला क्लियर कर रहा हूँ भाई, आप कैलकुलेट कीजिएगा, डी की 2 वैल्यू आएगी जो शॉकिंग होगी आपके लिए, जो सोच भी नहीं सकते आप, इसमें ग्रेटेस्ट डी देखना है, डी की 2 वैल्यू आपको दिख गई होगी, हाँ बेटा डी की 2 वैल्यू आपको दिख गई है कि डी इक्वल टू सर, एक तो 8/5 है और एक 2/3 है, 8/5 देखो ये रहा और 2/3 भी ये रहा, लेकिन इसमें पूछा है कि ग्रेटेस्ट होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, इसका ग्रेटेस्ट होना चाहिए, ध्यान से सोच समझ के करना है, इसको डबल डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, क्यों, क्योंकि कौन सा ग्रेटेस्ट है, किस पे पॉजिटिव देता है, किस पे नेगेटिव देता है, देख लीजिएगा डबल डिफरेंशिएशन करके, और अगर नहीं करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, ट्रिक देख लीजिएगा, ये क्या है 2/3 और 2/3 और 8/5, बेटा हम पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन यहाँ क्या है माइनस है, तो उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो ग्रेटेस्ट क्या है, यही है, ये पॉजिटिव है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से डबल डिफरेंशिएशन करके देख लीजिएगा, अगर आपके कोई दिक्कत है तो, जल्दी कमेंट कीजिएगा भाई, कोई दिक्कत हो तो, सर डी इक्वल्स टू 8/5।
अरे भाई 2 बाई 3 दोनों ही है आंसर में तो आ रहे हैं दोनों, और हमारे है भी दोनों, लेकिन ग्रेटेस्ट कौन से हैं? रीजन देख लीजिएगा, इसमें से ये लेस होगा, ये ग्रेटर होगा, ये ग्रेटर होगा, तो क्या है हमारा राइट आंसर है 8/5। बेटा डबल, मैं आपको और रीजन बता देता हूँ कि डबल डिफरेंशिएशन जब भी करेंगे तो हम वैल्यू रख के चेक करेंगे कि कौन सा नेगेटिव दे रहा है। डबल डिफरेंशिएशन में जब डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव मिलता है तो हमें वैल्यू क्या मिलती है? पॉजिटिव मिलती है, ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलती है, क्या मिलती है? मैक्सिमा मिलता है। क्या मिलता है भाई? मैक्सिमा। और जब डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव मिलता है तो वहाँ क्या मिलता है? मिनिमा मिलता है। क्या मिलता है? मिनिमा। तो यहाँ से थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, हाँ जी थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिएगा क्या आएगा हमारा राइट आंसर 8/5। सबके क्लियर है तो ओके टाइप कीजिएगा, सबके क्लियर है तो ओके टाइप कीजिएगा। हाँ बेटा, मैक्सिमा मिनिमा में ये देखा गया था। अरे भाई जब डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव मिलता है तो वहाँ मैक्सिमा वैल्यू प्राप्त होती है, मैक्सिमम प्राप्त होता है, और जब डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव मिलता है तो वहाँ क्या प्राप्त होता है? हमें क्या मिलता है? अरे रे रे रे, है ना? ओके।